मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में नशेड़ियों की धरपकड़ मुंब्रा पुलिस ने तेज कर दी है। मुंब्रा के कई इलाकों से अब तक 13 नशेड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है और इन पर गुनाह भी दाखिल किया है। आपको बता दें कि रेहान पितलवाला ने ठाणे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से नशेड़ियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस हरकत में आई और मुंब्रा पुलिस की अलग अलग टीम मुंब्रा शहर के अलग अलग इलाकों से 3 दिनों में 13 नशेड़ियों को पकड़ा है। जब से पुलिस ने नशेड़ियों की धरपकड़ शुरू की है, तब से नशे के सौदागरों और नशेड़ियों में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि मुंब्रा पुलिस गली गली में नशेड़ियों की तलाश कर रही है। माननीय पुलिस आयुक्त श्री विवेक फंसालकर साहब ने हमको आदेश दिया था कि नशेड़ी का जो है ये मुंब्रा से पूरा बंद होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोगों ने श्रीलंका, बाद में इमामवाड़ा, रशीद कंपाउंड, अमृत नगर दरगाह, रेलवे स्टेशन का कुछ एरिया वो पूरा हम लोग हर दिन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अभी गत 3 दिन में हमने 13 लोगों के ऊपर गुनहे दाखिल किए हुए, और भी इसमें गुनहे जारी होंगे। जो भी ये कारोबार में लिप्त होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें क्या जो नशा करने वाले लोग हैं या फिर जो नशा बेचते हैं वो लोग? नशा करने वाले लोगों के ऊपर भी होगी और जो नशा करने का मटेरियल बेचते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पकड़े गए हैं नशा बेचते? 13 लोगों के ऊपर अभी हमने कार्रवाई किया हुआ है। अभी कार्रवाई कैसे आगे जारी है? बिल्कुल, मैंने बीट इंचार्ज, बाद में डीबी स्टाफ को और एक स्पेशल एनडीपीएस के लिए स्पेशल स्क्वाड है, उनको भी सभी को आदेश दिए हुए और हम खुद ही उसमें कार्रवाई में रह रहे हैं। अभी जितना पुलिस स्टाफ है उनको सब, जो बीट के इंचार्ज है उनको सबको बोला है कि कार्रवाई करने के लिए। वहीं मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने बताया है कि नशेड़ियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। मुंब्रा पुलिस की टीम नशेड़ियों की धरपकड़ कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।